ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धे सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 7, प्रवचन 9, संत सेवा से जीवन मुक्ति। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, संत महात्माओं की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, हमेशा तन मन धन से संतों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते करते कभी हंस परम हंस महात्मा भी पधारते हैं, जिनका उपदेश पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है। एक राजा थे, उनको संतान नहीं थी। कई उपाय किए लेकिन सब निष्फल। एक दिन मंत्री ने राजा को संत सेवा की सलाह दी। राजा को भी बात समझ में आ गई। नगर के बाहर एक नदी थी, उसके किनारे पर एक आश्रम बनाया। संतों के खान पान विश्राम की सुव्यवस्था कर दी। संत आने लगे, सुख पाकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। एक बार किसी महापुरुष ने प्रसन्न होकर राजा को एक फल देते हुए कहा, राजन ये फल रानी को खिलाना, दो पुत्र उत्पन्न होंगे, एक को संत सेवा में लगाना, दूसरे को राजगद्दी सौंपकर तुम किसी जीवन मुक्त महात्मा की शरण में जाकर सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना और जीवन सफल बनाना। संत के आशीर्वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। समय पाकर दो पुत्र जन्मे। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए, तन मन से संत सेवा करने लगे। सेवा और सत्संग के प्रभाव से राजा के मन में विवेक जागा, जीवन मुक्ति यानी सच्ची शांति की इच्छा उत्पन्न हुई। उस दिन से राजा जीवन मुक्त महात्मा की खोज करने लगा। राजा ने किसी से जड़ भरत का नाम सुना। वे कैसे मिले, कैसे उन्हें पहचाने, यही सोचते सोचते राजा के मन में एक युक्ति सूझी। राजा के अपने बनाए सेवा आश्रम में उद्यान भी था। उसमें एक नीम का वृक्ष था, जिसमें नीम के छोटे छोटे फल थे। कोई संत आता तो राजा उससे कहते, ये आम का वृक्ष है, ये छोटे छोटे कच्चे आम जब पकेंगे और मीठे होंगे तब आप खाकर ही जाना। ये बात सुन संत जन राजा को पागल समझते, वाद विवाद करते और हट करते। राजा ने परीक्षा लेने के लिए एक दूसरी युक्ति भी की। आश्रम के मुख्य द्वार पर पिंजरे में बंद एक तोता पाल रखा था, जो आए हुए संत का सत्कार करता, राम राम कहता और प्रार्थना करता कि राम का नाम तो भव बंधन तोड़ने वाला है, पर मेरा तो ये लोहे के पिंजरे का बंधन भी नहीं टूटता है। सुनकर संत चुप हो जाते या कोई कुछ युक्ति भी बताते, पर उससे कोई बात नहीं बनती। एक बार अचानक भ्रमण करते जड़ भरत महात्मा भी आए, रमणीक शांत स्थान देखकर रुके। जैसे ही आश्रम में अंदर जाने लगे तो तोते ने सत्कार कर राम राम कहा और अपनी शंका प्रकट की। बड़े प्यार और गंभीरता से जड़ भरत ने समझाया, सबसे उपराम होकर सब इंद्रियों को समेट कर श्वास को रोक कर मृतकवत सो जाओ, आज ही मुक्त हो जाओगे। जड़ भरत के उपदेश अनुसार तोते ने श्वास रोक कर अपने को मृत कवत बना लिया। राजा आया, तोते ने सत्कार राम राम नहीं किया। राजा ने सोया हुआ समझकर हाथ घुमाया, पर तोता शांति से सोया ही रहा। मरा हुआ समझकर राजा ने पिंजरा खोलकर उसे बाहर वृक्ष की छांव में रखवा दिया। अपने को पूरा आजाद समझकर तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा और मधुर वाणी में कहने लगा, जैसा सतगुरु सुनिया तैसा ही मैं दीठ। वाह वाह गुरुदेव, आपकी महिमा महान है, आप भी मुक्त, पशु पक्षियों को भी मुक्त कर दिया। राजा तोते के मुख से ऐसे वचन सुन और उसे बंधन मुक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गया। समझ गया कि पूर्ण गुरुदेव जड़ भरत आ गए हैं, जिनकी मुझे प्यास थी। आश्रम में आकर उनका दर्शन किया एवं चरण स्पर्श करके प्रसन्न हुआ। अब एक और परीक्षा थी। राजा ने नीम का वृक्ष दिखाते हुए कहा, ये आम का वृक्ष है, आम के फल पककर मीठे हो जाएं तब खाकर ही जाना। जड़ भरत ने देखा नीम के वृक्ष को राजा आम का वृक्ष कह रहे हैं। मन में सोचा, मैं क्यों व्यर्थ वाद विवाद में पड़ूं? प्रेम से बोले, राजन अन्न जल होगा तो खाएंगे, आगे हरि की इच्छा। राजा ने कुछ और भी बातें पूछी। महात्मा ने सहज स्वभाव से सही उत्तर दिए। राजा को विश्वास हो गया कि ये ही ज्ञानी गुरुदेव जड़ भरत महाराज हैं।
सपरिवार चरणों में शीश झुकाया एवं श्रद्धा से सेवा पूजा की। महात्मा ने भी राजा को सच्चा जिज्ञासु समझकर प्रसन्न होकर जीवन मुक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सुख दुख मान अपमान से परे, शरीर के संबंध बंधन तीन गुणों से न्यारे, सदा स्वतंत्र सच्चिद आनंद रूप साक्षी स्वरूप हो, अकर्ता अभोक्ता अजर अमर आत्मा हो। ऐसा अमृतमय ज्ञान उपदेश सुनकर मन में मनन करके राजा भी जीवन मुक्त हो गए। तो भाई, आप लोग भी अपने असली स्वरूप को जानेंगे तो इसी जन्म में जीवन मुक्ति का आनंद पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।